सो यस फाइनली वी आर बैक विद वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन दिस चैनल। आज से ठीक 3 महीने पहले हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन 2024 का मास्टर प्लान हम लोगों ने आपके सामने रखा था एंड उसका कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा पार्ट 2 से भर चुका था। सो वी आर बैक विद पार्ट 2 ऑफ दैट वीडियो। बट ये वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसका पार्ट 1 जाके एक बार तो जरूर देखो, क्योंकि आज की वीडियो आप कह सकते हो कि पार्ट 1 का एक्सटेंशन होगा। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको पार्ट 2 बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो भाई पार्ट 1 आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक दे दूंगा। वैसे अगर आपको याद होगा तो पार्ट 1 के मास्टर प्लान में मैंने आपको कुछ पॉइंटर्स बताए थे, और आज की वीडियो में मैं उन पॉइंटर्स से रिलेटेड कुछ रियल वर्ल्ड केस स्टडीज लेके आया हूं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो जिन भी लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और जाके पहले पार्ट 1 देखो, और जिन भी लोगों ने देख लिया है लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहली केस स्टडी है उबर की। उबर एक ऐसी कंपनी है ना जिसने अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम को एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोल्यूशन देके पूरी की पूरी ट्रेडिशनल टैक्सी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करके रखा था। लेकिन ट्रेडिशनल टैक्सी बिजनेस तो मार्केट में कई सालों से चल रहा है, ये उबर ने अचानक आके इसे डिसरप्ट कैसे कर दिया? तो सबसे पहली चीज जो उबर ने अच्छे से की थी वो है उनके कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को एड्रेस करना। सबसे पहला पेन पॉइंट था इनएफिशिएंट एंड अनरिलायबल सर्विस। आप सोचो मुंबई और दिल्ली जैसी सिटीज में टाइम पे ऑटो या फिर टैक्सी मिलना कितना ज्यादा मुश्किल काम है, और अगर गलती से आपको मिल भी जाए तो उन्हें अपने डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए मनाना एक अलग टास्क हो जाता है। पेन पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ऑटो वाले के जो मीटर होते हैं जिसपे वो पर किलोमीटर चार्ज करते हैं वो कभी ढंग से काम ही नहीं करते, हर बार आप उन्हें देखोगे तो वो बंद ही रहेंगे। एंड पेन पॉइंट नंबर 3, पेमेंट फ्रिक्शन। टैक्सी राइड्स के लिए कैश पेमेंट करना एक तो बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंट होता है, और ऊपर से वो मोल भाव और नेगोशिएशन करना एक अलग चीज। वो लोगों की शक्ल देख के तो प्राइस डिसाइड करते हैं, और अगर आपकी शक्ल देख के उन्हें ऐसा लगा कि ये तो बच्चा इसे नेगोशिएशन नहीं आता तो भाई गारंटी के साथ 100 की जगह आपके 200 रुपए कटेंगे। इन सारे प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में रखते हुए उबर ने एक ऐसा सोल्यूशन डिलीवर किया जिसका पूरा फोकस यूजर एक्सपीरियंस और यूजर कन्वीनियंस पे था, और क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म भी इतना ज्यादा फ्रेंडली था क्विकली दिस कंपनी स्टार्टेड गेनिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन एंड कस्टमर्स। इतना ज्यादा कि इन टैक्सी यूनियंस को उन्हें अपोज करने की जगह उनके साथ रिक्रूट होकर काम करना पड़ा। और उबर की इस केस स्टडी से भी हम लोग यही चीज सीखते हैं, आइडेंटिफाई द पेन पॉइंट एंड गिव अ वेरी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। लेकिन सुनो, अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर दूंगा तो थोड़ा रुको। 2023 में आई हुई एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में डेली ऑन एन एवरेज 1,27,000 स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं, और 80% ऑफ द स्टार्टअप्स 5 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन ये सारी चीजें इंडिया में क्यों हो रही है? इंडिया में सब बॉस बनना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, कोई बेस से चीजों को समझना और सीखना नहीं चाहता, और यही बेसिक्स कच्चे रहने की वजह से पीपल फेल मिजरेबली। और तो और कई लोगों के इस घमंड की वजह से उनके लाखों रुपए डूब चुके हैं। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? अपने लाइफ के इनिशियल ईयर्स में कोई भी छोटा मोटा जॉब उठा लो, इससे आपको प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। और अगर आप में से किसी को भी जॉब की जरूरत है तो एक फ्री टू यूज ऐप है जो आप सबको ट्राई करके देखना चाहिए। यहाँ पे आपको 3,000+ जॉब्स, 500+ कंपनीज और 45 लाख रुपीज तक की हाई सैलरी भी मिल सकती है, सिर्फ और सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स है। सबसे पहले नेक्स्ट लेवल ऐप को डाउनलोड करो, लिंक आपको इजीली मिल जाए इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी है। उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल्स और क्वालिफिकेशंस भरो, और फिर बस जॉब रोल सिलेक्ट करके अप्लाई कर दो। ये बिल्कुल फ्री ऐप है और बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो इस वीडियो को अपने भाई बहन और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। वैसे अगर आप किसी बड़े सीईओ या फिर फाउंडर के हाथ के नीचे काम करोगे तो उसके सालों के एक्सपीरियंस से आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। एग्जांपल के लिए बताता हूँ, यूएस में एक पेपाल नाम की कंपनी थी, और पेपाल में जितने भी एम्प्लॉइज काम करते थे आज उनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, और इन्हें पेपाल माफिया भी कहा जाता है। इलॉन मस्क भी उन्हीं में से एक है, और इवन आप जो ये वीडियो जिस प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो यूट्यूब, ये भी पेपाल के 3 एम्प्लॉइज ने मिलकर बनाया है। यही एक डिफरेंस आता है, अगर आप जॉब में किसी एक्सपीरियंस आदमी के नीचे काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने मिलेगी, आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उसे आज के आज अभी के अभी चेकआउट जरूर करना, ज्यादा नहीं सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। अब बढ़ते हैं अगली केस स्टडी पे, विच इज ऑफ आइकिया। आइकिया ने बहुत ही ज्यादा टाइम तक अपने कस्टमर्स के बिहेवियर और प्रेफरेंसेस को स्टडी किया। उनके टारगेट ऑडियंस से बार बार फीडबैक लेने पे और ट्रेंड्स को स्टडी करने पे उन्हें एक चीज नोटिस हुई कि मिनिमलिस्ट और स्कैंडिनेवियन इंस्पायर्ड डिजाइंस लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। तो उनके फर्नीचर प्रोडक्ट्स में उन्होंने सारे एस्थेटिक होम डेकोर आइटम्स इंट्रोड्यूस किए। उसके बाद जैसे ही वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्क का ट्रेंड शुरू हुआ, उन्होंने मार्केट में ये ट्रेंड देखते हुए एर्गोनॉमिक चेयर्स, मल्टीफंक्शनल डेस्क और स्टोरेज सॉल्यूशंस होम ऑफिस स्पेसेस के लिए मार्केट में लाए। अब इसके बाद में इन्हें और एक चीज क्लिक हुई थी जो थी कस्टमर्स के बिहेवियर को समझना बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ऑनलाइन उन्होंने यूजर्स के ब्राउजर पैटर्न, फीडबैक और परचेज डिसीजन को स्टडी किया, और फिर उनकी वेबसाइट उसी हिसाब से डिजाइन की। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता ही होगा कि येलो एक बहुत ही ज्यादा ब्राइट और अट्रैक्टिव शेड है, तो येलो की एक आदत है कि वो हमारी नजर रोक के रखता है। इसी वजह से अगर आप आइकिया की वेबसाइट पे अभी जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके होम पेज पे येलो एलिमेंट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और फिर उन्होंने कंडक्ट की ऑफलाइन रिसर्च जिससे उन्हें ये पता चला कि शॉपर्स को अपनी पेज पे शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद आता है, और लोगों को आज की डेट में अपने घर पे एस्थेटिक लुकिंग प्रोडक्ट्स ही चाहिए। तो उन्होंने काफी स्ट्रेटेजिकली अलग अलग टाइप के बेडरूम सेटअप, लिविंग रूम सेटअप बनाए जिससे आइकिया लोगों को एक शॉपिंग सेंटर कम और एक एस्थेटिक एक्सपीरियंस ज्यादा लगने लगा।
लगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आइकिया के स्टोर के बारे में, उन्होंने अपना लेआउट ऐसे बनाया है कि एक बार आप अंदर आ गए तो आपको पूरा स्टोर घूमना पड़ेगा, तब जाके आपको एग्जिट मिलेगा। अब इस वजह से होता क्या है कि कस्टमर मजबूर हो जाता है उनका हर एक प्रोडक्ट देखने के लिए, क्योंकि उसे बाहर निकलने के लिए उसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। दिस इज अ वेरी जीनियस स्ट्रेटेजी बाय आइकिया विच दे केम अप विद ओनली बिकॉज ऑफ देयर मार्केट रिसर्च। और यही था हमारा टेक अवे फ्रॉम दिस आइकिया केस स्टडी, डू योर मार्केट रिसर्च प्रॉपरली बिफोर एंटरिंग इनटू द बिजनेस। अब बढ़ते हैं हमारी अगली केस स्टडी पे जो है टेस्ला की। इलॉन मस्क जो टेस्ला की सीईओ है, उनके अगर आपने इंटरव्यू सुने होंगे तो यू विल रियलाइज वन थिंग, टेस्ला एज अ कंपनी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजन एंड मिशन व्हिच इज टू ट्रांजिशन दिस वर्ल्ड इन यूजिंग ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। और ये विजन और मिशन ही है जो उनकी हर एक स्ट्रेटेजी को ड्राइव करता है। टेस्ला के अगर आप हर एक प्रोडक्ट को देखोगे तो उन्हें ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करे, और उनका पूरा का पूरा बिजनेस प्लान जो है वो अलाइंड है इसी गोल की तरफ, जिसके चलते उन्होंने दुनिया को काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स दिए हैं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस। अब समझते हैं कि इनका बिजनेस प्लान चलता कैसे और एग्जैक्टली ये है क्या चीज। अगर उन्हें चाहिए कि रस्ते की हर एक गाड़ी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल हो और उन्हें अगर पूरे दुनिया के एनर्जी सोर्सेस को चेंज करना है तो उनका रेवेन्यू मॉडल भी उतना ही स्केलेबल होना चाहिए कि उनको रिकरिंग पैसा आता रहे। अब तक की जितनी भी कार कंपनीज थी उनका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू आता था सिर्फ कार सेल से और उनके मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स चार्ज से। लेकिन एक गाड़ी को चलाने के लिए एक सबसे मेजर चीज जो होती है वो होता है फ्यूल, और फ्यूलिंग से पैसे कमाने का कभी कार कंपनीज ने सोचा ही नहीं था। यही पे टेस्ला ने गैप ढूंढा और जगह जगह पे उनके खुद के चार्जिंग स्टेशन लगा दिए जहाँ से लोग अपनी ईवीज कम टाइम में चार्ज कर सकते हैं। अभी स्ट्रेटेजी की पोटेंशियल देखने के बाद टाटा ने भी जगह जगह पे अपने चार्जिंग स्टेशन लगाना शुरू कर दिया है। दिस वॉज अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव बाय टेस्ला। और इसी तरह आपको आपकी कंपनी चलाने के लिए एक मिशन और विजन की जरूरत होती है, और वही चीज हमें सिखाती है टेस्ला की केस स्टडी। अब टाटा की बात हो ही रही थी तो अगली केस स्टडी टाटा के ऊपर ही है। टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ना इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ बिजनेसेस है, जिनका पोर्टफोलियो मल्टीपल सेक्टर्स में है जैसे ऑटोमोटिव, स्टील, टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटैलिटी। अब इतने सारे सेक्टर्स में अलग अलग तरीके से फैल के स्केल कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन टाटा ऐसा क्या अलग कर रहा है जो वो इतनी तेजी से इतने अलग अलग सेक्टर्स में स्केल कर पा रहे हैं। तो इनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। पहली चीज तो ये कंपनी काफी हेविली इन्वेस्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। दूसरा इनका फोकस होता है कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर जो पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को इजिली रिप्लेस कर पाए। उसके बाद दे मेक इट अ पॉइंट टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स इन क्वालिटी अश्योरेंस, जिसकी वजह से इनका कस्टमर रिटेंशन काफी हाई होता है। टाटा के नाम के साथ आपको भरोसा मिलेगा ही मिलेगा। एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि कैसे टाटा अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन और क्वालिटी का ब्लेंड देता है। अब जिन भी लोगों को गाड़ियों का शौक है उन्हें ये चीज पता ही होगी कि कुछ साल पहले टाटा ने हैरियर नाम की गाड़ी का मॉडल रिलीज किया था, जिसका बॉडी और आर्किटेक्चर बनाया है लैंड रोवर के कोलैबोरेशन के साथ। इस कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा हाईलाइट था कि हैरियर बनी थी ओमेगा प्लेटफॉर्म पे, जो ड्यूरेबिलिटी और टफनेस के मामले में सबसे स्ट्रांग होता है, और इसी वजह से टाटा हैरियर को सबसे हाईएस्ट रेटिंग मिली थी ग्लोबल एनकैप के टेस्ट में, एंड इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कार टिल द डेट। तो ये चीज होती है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का नतीजा, और इसी वजह से ये छोटा सा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस आपके बिजनेस में इतना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। अब बढ़ते हैं अगले केस स्टडी पे जो है हमारे जाने पहचाने ब्रांड सर्फ एक्सेल के बारे में, जिसकी टैगलाइन तो हर किसी ने सुनी होगी, दाग अच्छे है। अब ये जो टैगलाइन थी ना एक सर्फ एक्सेल के बहुत बड़े कैंपेन का एक पार्ट थी, लेकिन इसके पीछे उनका थॉट प्रोसेस क्या था, एक छोटी सी लाइन कौन सा ऐसा बड़ा इंपैक्ट करने वाली थी बिजनेस में, जहाँ पे उनके बाकी कॉम्पिटिटर सेम घिसे पिटे स्पॉट क्लीननेस पे फोकस कर रहे थे, सर्फ एक्सेल टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड आउट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर। उन्होंने ना मार्केट का एक थोड़ा अलग अप्रोच लिया और उस प्रॉब्लम को और थोड़ा ह्यूमनाइज कर दिया कि भाई दाग अच्छे है। और तो और उन्होंने इस कैंपेन के एडवर्टाइजमेंट में बच्चों को बहुत ज्यादा फीचर किया, शोइंग अ वेरी प्लेफुल एंड रियलिस्टिक एंगल, एंड दोज किड्स लिटरली स्टोल द हार्ट्स ऑफ एवरीबॉडी, एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू मेक योर ब्रांड मोर मेमोरेबल। आज ये टैगलाइन सर्फ एक्सेल की पहचान बन चुकी है। एक और ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी बताता हूँ जो आपने कभी नोटिस भी नहीं की होगी। आपको पता है बच्चों का एक ब्रेकफास्ट स्नैक आता है जैसे चौकोस वगैरह, तो अगर आप उनकी पैकेजिंग देखोगे तो उनपे जो कार्टून आते हैं उनकी नजरें हमेशा नीचे की ओर रहती है। अब क्या ये बस कोई कोइंसिडेंस है? नहीं, उसके पीछे एक रीजन है। दीज कार्टून कैरेक्टर्स आर मेड टू मैच द आई लेवल्स ऑफ किड्स। जब भी कोई छोटा बच्चा वो शेल्फ पे रखे हुए प्रोडक्ट को देखता है तो भाई एटलीस्ट वो कार्टून को देख के तो उसे थोड़ा सा लालच आ जाए कि मेरे को भी ये चीज चाहिए। उसके बाद अगर उस बच्चे को टेस्ट पसंद आ गया तो भाई मजे ही मजे, लेकिन देयर फर्स्ट थिंग इज टू गेट नोटिस्ड बाय दैट चाइल्ड। और इसी वजह से वो लोग ऐसे कार्टून बनाते हैं जिनकी नजरें थोड़ी नीचे होती है। एंड दिस इज माय नेक्स्ट पॉइंट, मेक अ ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इन केस स्टडी से ना मैं आपको आइडियाज नहीं बताना चाहता कि आप किस टाइप का बिजनेस करो। आप बिजनेस वो करो जिसमें आपका मन लगता है, आपको पसंद है। लेकिन जितनी भी सारी स्ट्रेटजीज मैंने अभी आपको बताई वो सारी की सारी इंटीग्रेट हो सकती है आपके किसी भी बिजनेस में। ईच एंड एवरी केस स्टडी दैट आई हैव मेंशनड आर टॉप इन देयर फील्ड्स, एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि मैं इस वीडियो का और एक पार्ट लेके आऊंगा जिसमें हम लोग केस स्टडीज देखेंगे कुछ ऐसे बिजनेसेस की जो फेल हुए और फिर उन्हें स्टडी करके एनालाइज करके ये चीज समझेंगे कि वो लोग फेल क्यों हुए। तब बेसिकली आपको ये चीज पता चलेगी कि आपको आपके बिजनेस में क्या चीजें नहीं करनी है। तो अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, किसी भी बड़े कंपनी में जॉब करना आपको बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीजें सिखा देता है। और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो
नेक्स्ट लेवल ये फ्री ऐप ट्राई जरूर करके देखना। यहाँ पे आपको 3000 प्लस जॉब्स, 500 प्लस कंपनीज और 45 लाख रुपीस तक की हाईएस्ट सैलरी भी मिल सकती है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।